काउंट डाउन क्लास सिक्स एक्सरसाइज सिक्स ए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक मैंने प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व करवा दिया है। इस वीडियो में हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, अहमद अर्न्स आरएस 5400 5400 जो है वो अर्न कर रहा है, उसकी इनकम इतनी है इन ए मंथ में, एंड स्पेंड्स, और वो स्पेंड कर रहा है, खर्च रहा है 4500। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, हम लोगों ने क्या करनी है, रेशियो फाइंड आउट करनी है, पहले इनकम और उसके एक्सपेंडिचर्स के बिटवीन, देन इनकम और उसकी सेविंग्स के बिटवीन, और थर्ड पे हमने एक्सपेंडिचर और उसके सेविंग के बिटवीन रेशियो फाइंड आउट करनी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं कि उसकी इनकम कितनी है अहमद की, ठीक है, इनकम कितनी है उसकी 5400, यहाँ पे लिखेंगे 5400, और वो स्पेंड्स कितने कर रहा है, उसके एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर होते हैं उसके कितने अखराजात हैं, खर्चे हैं, ठीक है, तो वो 4500 उसमें से खर्च कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4500 डेट इज़ उसके क्या हैं, वो एक्सपेंडिचर्स हैं। अब उसकी सेविंग्स कैसे फाइंड आउट होंगी, तो सेविंग कैसे फाइंड आउट होती है कि जितनी उसकी इनकम है और जितना उसने खर्च कर लिया, जो बाकी बचेगा उसके पास वो उसकी सेविंग होगी, तो 5400 5500 में से हम माइनस कर देंगे 4500 को, 5400 में से 4500 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 900, तो हमारे पास आ गया 900, हमने सेविंग फाइंड आउट कर ली। अब हमें क्या कहा गया है कि फर्स्ट पॉइंट में ये कहा गया कि हमने रेशो फाइंड आउट करनी है उसके इनकम और उसके एक्सपेंडिचर के बिटवीन, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं कि रेशो बिटवीन या रेशो ऑफ हिज इनकम इनकम टू एक्सपेंडिचर, तो रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगी, पहले इनकम है देन एक्सपेंडिचर है, तो इनकम हमारे पास 5400 है, रेशियो फाइंड आउट करनी है सेंटर में रेशियो, और एक्सपेंडिचर उसके कितने हैं 4500 4500। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे, कटिंग करेंगे, तो इसको पहले फ्रैक्शन में लिख लेते हैं 5400 को ऊपर और 4500 को नीचे। अब कटिंग ये है कि आप ऐसे कर लें कि ये दो ज़ीरो को इस दो ज़ीरो से कैंसिल कर दें, और यहाँ पे जो रह गया ना वो यहाँ पे लिख दें 54 ऊपर और 45 नीचे। अब आपके पास 54 ऊपर और 45 नीचे आ गया ना, आपकी मर्ज़ी है कि अब आप क्या करें, यहाँ पे कटिंग कर देते या अब हमने यहाँ पे लिख के अब यहाँ पे कटिंग कर देते हैं। हम अगर 2 से दोनों को कट करते हैं ये तो 2 से कट हो जाएगा, ये नहीं होता, 3 से जो है ये कट हो जाता है और ये भी हो जाता है, सही है, तो अब आपकी मर्ज़ी है 3 से कट करना है या 9 से कट करना है, तो दोनों 9 से भी कट हो रहे हैं और 3 से भी हो रहे हैं, ठीक है, तो हम जो है 9 से कर लेते हैं, 9 के टेबल में 45 आता है 5000, 9 के टेबल में 54 आता है 6000, 6/5 आ गया, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6/5, इसको एज ए रेशो लिखेंगे 6:5। हमने जो है इसका जो फर्स्ट कंडीशन थी कि हमने वो फाइंड आउट करना था इनकम और उसके एक्सपेंडिचर के बिटवीन रेशो, वो फाइंड आउट कर ली। सेकंड हमें कहा गया कि इनकम और सेविंग के दरमियान में हमने रेशो फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रेशो ऑफ हिज इनकम टू सेविंग, इनकम टू हिज सेविंग, या अकेला सेविंग लिखना है तो सेविंग लिख ले। इनकम कितनी है उसकी 5400 5400, और रेशो आ जाएगा सेविंग कितनी है 900, 5400 ऊपर 900 नीचे, इसमें भी ऐसे ही है, ये दो ज़ीरो इस दो ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे 54 और 9 को कट करना है तो कर दें, या नहीं करना तो नीचे वाले स्टेप में करना है तो 54 को ऊपर और 9 को नीचे लिख दें, 3 से दोनों कट हो रहे हैं तो 3 से करना है तो 3 से कर लें, डायरेक्ट अगर 9 से करना है तो 9 से भी कट हो जाएंगे, 9 के टेबल में 9 आता है 1000, 9 के टेबल में 54 आता है 6000, तो क्या आ जाएगा 6/1, और एज ए रेशो लिखेंगे तो 6:1।
अब इसका जो कंडीशन है हमने फाइंड आउट करनी है, थर्ड कंडीशन, उसमें ये है कि एक्सपेंडिचर और उसकी सेविंग के बिटवीन हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो वो अब हम यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंडिचर टू हिज सेविंग या टू सेविंग। कितने एक्सपेंडिचर हैं उसके, 4500 और सेविंग्स क्या है, सेविंग्स है 900। तो यहाँ पे लिखते हैं 900। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4500 ऊपर 900 नीचे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी। ये 2020 से कैंसिल हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे इसी स्टेप में करना है तो कर लें, कर लेते हैं स्टेप में, करके दिखाई देती हूँ कि स्टेप में कैसे हो जाएगी। 9199 की थी, 45 होता 9545, तो हमारे पास क्या आ गया, ऊपर 5 आ जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा। इसको एज ए रेशो लिखेंगे तो 5:1 आ गया। अब हमें जो तीनों चीज़ें कहा गई थी फाइंड आउट करने की, वो हमने कर ली हैं, रेशो फाइंड आउट कर ली है तीनों के दरमियान में। एक दफ़ा दोबारा सुन लें कि इनकम अहमद की इतनी थी, एक्सपेंडिचर उसके इतने थे, देन हमें कहा गया कि हमने रेशो फाइंड आउट करनी है इनकम और एक्सपेंडिचर के दरमियान में, देन इनकम और सेविंग के दरमियान में, और देन एक्सपेंडिचर और सेविंग के दरमियान में। तो उसके लिए हमें तो उन्होंने सिर्फ बताया था कि उसकी इनकम है और उसकी एक्सपेंडिचर है, सेविंग हमने खुद फाइंड आउट की। सेविंग आपको पता है कि जितनी जो पैसे बच जाते हैं, जितने हमारे इनकम है, जितने एक्सपेंडिचर उसके खर्चे हो गए और माइनस कर दिया तो सेविंग आ गई जितने बच गए। फिर हमने इनकम और एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर में रेशो फाइंड आउट कर ली, फिर इनकम और सेविंग में, और देन एक्सपेंडिचर और सेविंग में। होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या हम करते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे रेशो फाइंड आउट करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर। इसकी जो प्रीवियस क्वेश्चन देखने हों तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 6th क्लास मैथ काउंटडाउन के नेम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और भी एक्सरसाइजेज हैं इस बुक की, तो वो भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है।